जल्दी से एक बार बता दो मुझे जल्दी से क्विक क्विक चेक कि क्या मेरी आवाज एकदम बुलंद आ रही है और मैं शाही दिख रही हूं सबको एक बार जल्दी से हरि अब सो दैट वी कैन स्टार्ट विद क्लास आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज जुरुजिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कि भाई जुरुजिक्शन कौन डिसाइड करता है कैसे पता चलेगा कि हमें अपना एक सिविल सूट कहां पे डालना है कहां पे ले जाना है कौन से

कर चुके हैं कंप्लीट पूरी कंप्लीट रिविजन कर, कर चुके हैं आईपीसी और सीआरपीसी की एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल टू दिस पर्टिकुलर सेशन तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं प्रीवियस हमारे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स को आप चेक कर सकते हो और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे जल्दी से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे श्रीवास्तव के नाम से सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से एक इंपॉर्टेंट चीज सीपीसी का ये आपका लेक्चर नंबर है थ्री तो लेक्चर नंबर वन में हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है रिलीफ क्या होता होता है टाइटल क्या होता है मैटर एंड इशू क्या होता है ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे और जो पीपीटी मैंने क्लास में यूज करी थी वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है राइट सो आई होप यू ऑल हैव को और अगर आप कंप्रीहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ बारह महीनों में तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन बैच एट बैच एट में एनरोल करने की आज है लास्ट डेट सो आज आप अफोर्डेबल प्राइस में एनरोल कर सकते हैं बिकॉज देश

के वो हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं नाउ आई होप बोर्ड इज क्लियर टू बोर्ड सबको विजिबल होगा अब देखो कल हमने जो लेक्चर नंबर टू था उस लेक्चर नंबर में हमने डिस्कस किए थे कुछ डेफिनेशन क्लॉज जिसमें हमने डिग्री की डेफिनेशन पढ़ ली थी थोड़ा सा उसका आइडिया लगा लिया था मीन्स प्रॉफिट पढ़ लिया था ऑर्डर पढ़ लिया था ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम कवर अप कर चुके हैं नाउ टूडे इन दिस टूडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिसन ठीक है अब जोरिजेक्शन मतलब क्या होता है कि भाई कौन सा कोर्ट जो है वो कंपिटेंट है कौन सा कोर्ट जो है वो कंपिटेंट है एक केस की सुनवाई करने के लिए ठीक है कि भाई अगर मान लो सूट की कोई वैल्यू होती है देखो अब सारी चीजें काफी इंटरलिंक्ड है एक सूट की वैल्यू होती है वो कैसे पता चलेगी ठीक है भाई सूट की क्या वैल्यू है तो भाई वो कैसे पता चली जाएगी सिंपल सी बात है मैंने आपको बताया था कि प्लेन जब प्लेट लिखता है तो उस प्लेट में वो रिलीफ क्या मांग रहा है रिलीफ क्या वो प्रे करता है कोर्ट से उस वो मानी जाती है आपके सूट की वैल्यू और उसके हिसाब से जो रिलीफ क्लेम किया गया है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन से कोर्ट के पास जो है अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो है वो आपका दो लाख से या तीन लाख से नीचे का सूट एंटरटेन करेगा या फिर ऐसा नहीं है कि पांच करोड़ का इंस्टीट्यूट सूट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज एंटाइटल है ऐसा नहीं है देर आर वेल्यूएशन गिवन डिसाइडेड है कि भाई हाई कोर्ट है तो ये इतने लाख या इतने करोड़ तक के केस को डिस्कस कर डील कर सकता है सिमिलरली अगर लोअर कोर्ट है सिविल कोर्ट है लोअर डिविजन का कोर्ट है तो उसके पास कितनी जुरिस्ट्रिक्शन है कितनी पिक्यूनरी जुरिजिक्शन उसकी क्या है ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड है दे रखी है

Uh, जो हम रिजेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं ना तो इसमें सेक्शन थ्री सेक्शन सिक्स सेक्शन नाइन सेक्शन फिफ्टीन से लेके आपका 16, 17, 18 वो पूरा रिजल्ट वाला पार्ट हम कवर अप करेंगे तो मैं जो है आपको कंसेप्ट समझा दूंगी और साथ में बेराट से रीडिंग भी करा दूंगी ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए बेर आट का राइट तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम हम डिस्कस क्या कर रहे हैं देखो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिडेंस कॉम्फिडेंस क्या होता है एक बार जान लो इसको ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिडेंस ठीक है इसी को दो बार लिखा जाता है ठीक है जस्ट अ मिनट हाँ अब ये प्रिंसिपल है क्या बेसिकली अब प्रिंसिपल बेसिकली बात किसकी कर रहा है ये प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई कोर्ट जो है अपनी कंपिटेंसी खुद ही डिसाइड करता है ऐसा नहीं कि कोई बताने आएगा कोर्ट तो जो है अपनी कंपिटेंसी खुद ही डिसाइड करता है इसको एक एग्जाम्पल समझो जिससे और क्लियर हो जाएगा ए है है ठीक ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है अब यहां पे ने जो है सूट फाइल किया है कोर्ट एक्स में कोर्ट एक्स में ठीक है ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है सिविल डिस्प्यूट है और यहां पे कोर्ट एक्स में जो है सूट फाइल किया गया है A ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है कोर्ट एक्स में नाउ बी यहां पे क्या कहता है बी कहता है कि जो भाई मिस्टर कोर्ट एक्स है ये तो इन ही नहीं है ये कॉम्पिटेंट नहीं है हमारे केस को डील करने के लिए नाउ अब सवाल यह है कि कौन डिसाइड करेगा कि कोर्ट एक्स कम्पिटेंट है या नहीं एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कि भाई ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया और बी जो है भाई साहब वो कोर्ट कोर्ट में जाके कहते हैं एक्स तो ही नहीं है कोर्ट एक्स के पास तो कॉम्पिटेंस नहीं है तो यहां पे इस वजह से सूट को डिसमिस कर देना चाहिए ये कंटेंशन है बी की कोर्ट के सामने कि जो ये पर्टिकुलर कोर्ट है जिसमें ये सूट आया है ये कोर्ट तो इंटाइटल ही नहीं है इसके पास तो

ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंगे चीज आपकी पर्टिकुलर कोर्ट के पास रिजेक्शन है, है. है या फिर नहीं है या फिर वो अलाउड है उस केस को डील करने के लिए या फिर नहीं दिस इज समिंग विच इज एन स्ट्रैटरी एक्शन तो यहां पे लॉ डिसाइड करता है कि भाई पर्टिकुलर आपका कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है किसी केस को डिसाइड करने के लिए या फिर नहीं या केस को हैंडल करने के लिए कॉम्पिटेंसी है उसकी या फिर नहीं है या उसके पास रिजेक्शन है या फिर नहीं है ये कौन डिसाइड करता है आपका कोर्ट डिसाइड करता है ठीक है तो बेसिकली लॉ जो है वो कन्फर करता है जुरिस्डिक्शन कोर्ट पे कौन कौन डिसाइड करता है लॉ डिसाइड करता है लेजिस्लेशन जो है वो ग्रांट करता है जुरिस्डिक्शन टू एनी कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए कि उसको ये सूट ट्राई करना है या फिर सूट ट्राई

ठीक है अब ये कोर्ट एक्स में ए और बी ने आपस में डिसाइड कर लिया है म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है म्यूचुअल कंसेंट है कि यहाँ पे ये ट्राई करने लायक तो नहीं है कोर्ट कोर्ट के पास रिजेक्शन नहीं है कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं है लेकिन अगर पार्टीज आपस में म्यूचुअली एग्री कर लेती हैं तो क्या फिर यहाँ पे कोर्ट एक्स जो है उस केस को डील करेगा एनी आउट ऑफ यू कैन टेल मी

कोर्ट जो आपस आप में क्योंकि तरीके से वो ग्रांट नहीं करेंगी कोर्ट को जन वो ग्रांट नहीं कर सकती किसी भी तरीके से और अगर वो ऐसा करती हैं तो दैट इज अगेंस्ट दब्लिक पॉलिसी एंड दैट इज गिवेन अंडर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी

यार हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स देखे होंगे आपने भी देखे होंगे जहां पे एक्सक्लूजन क्लॉज होता है एक्सक्लूजन क्लॉज क्या है कि भाई मैंने और आपने डिसाइड कर लिया है कि हम अपना सूट जो है कोर्ट एक्स में ही डिसाइड करवाएंगे तो ये जो जहां पे आपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर रखा है कि जब भी कभी आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट एक्स उस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी अगर ऐसा एग्रीमेंट किया है

एक्सक्लूजन क्लॉज की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल से समझो कि ए और बी है ठीक है ए और बी है ए वर्सेज बी ए ने सूट फाइल किया है अगेंस्ट बी नाउ यहाँ पे ए और बी जो है पहले ही एग्रीमेंट में थे एक इन्होंने आपस में पहले ही एक एग्रीमेंट कर रखा था ठीक है कि कोर्ट एक्स जो होगा अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो कोर्ट एक्स जो है वो डिसाइड करेगा कोर्ट एस एक्स जो है उसके पास रिज्रिक्शन है ट्राई करने का कोई भी सूट बिटवीन ए एंड बी ठीक है

ये एग्रीमेंट करना यहाँ पे वैलिड नहीं है कि कोर्ट एक्स ट्राई करेगा और कोर्ट वाई ट्राई नहीं कर सकता अगर आपस में ये एग्रीमेंट कर लेते हैं पार्टीज तो ये एग्रीमेंट करना वॉइड नहीं है ये अगेन वॉयलेटिव है आपका सेक्शन ट्वेंटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो फिर वैलिड क्या है तो फिर आप एक्सक्लूजन क्लॉज की बात जो मैं कर रही थी अभी तो एग्रीमेंट कर लिया डील सिर्फ सिर्फ नहीं कर सकता इवन दो तरीके का कोई भी एग्रीमेंट पार्टीज करती हैं आपस में तो दैट एग्रीमेंट इज अवॉइड एग्रीमेंट दैट एग्रीमेंट इज अवॉइड एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है तो फिर परमिसेबल क्या है तो फिर परमिसेबल क्या है तो फिर एक्सक्लूजन क्लॉज की बात क्यों है? उसका एग्जाम्पल देखो ये example clear हो सबको? ये example clear हो गया गया? सबको? अब आगे देखो क्या कहता है कि मान लो court one, court two, court three, court four. ठीक है? ये चार कोर्ट हैं आपके ठीक है इन सबके पास जो है ट्राई करने का सूट जो सूट हुआ है ए वर्सेस बी ए वर्सेस बी वाला सूट जो है इसको ट्राई करने का कोर्ट वन कोर्ट टू कोर्ट थ्री कोर्ट फोर सबके पास रिजोल है ना यहाँ पे ए और बी जो है वो एंटर हो सकते हैं एग्रीमेंट पे टू फाइल देयर केस और यू कैन से देयर डिस्प्यूट टू ओनली कोर्ट नंबर वन टू ओनली कोर्ट नंबर वन और यू कैन से टू ओनली कोर्ट नंबर थ्री ठीक है कि भाई हम जो है किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे कोर्ट नंबर वन में नहीं जाएंगे थ्री टू uh, में नहीं जाएंगे फोर में नहीं जाएंगे हम कोर्ट नंबर थ्री में जाएंगे इस बात का एग्रीमेंट अगर आपने किया है दिस एग्रीमेंट इज परमिसेबल ये एग्रीमेंट आप कर सकते हो एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन क्लॉज दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन क्लॉज टेल मी इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी और नॉट से येस और नो थम्स अप थम्स डाउन समझ में आया सब कुछ यहां तक की कहानी समझ में आई सबको कम ऑन मी से येस और नो नो कम कमोन टेलमी फास्ट क्विक 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 शो सम एनर्जी वेयर आर माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट रॉय किसकी क्लास है ये सीपीसी की क्लास है की क्लास है ये चलो समझ में आया ठीक है क्लियर है यहाँ आता सबको वेरी नाइस वेरी नाइस ठीक है आगे देखो अब ये एक्सक्लूजन क्लॉज वाली बात हो गई तब जहां पे चार कोर्ट है चारों कोर्ट अलाउड है उनके पास रोजेक्शन है एक सूट को फाइल केस को डील करने का तो उसमें से पार्टीज ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम तो कोर्ट नंबर थ्री के पास ही जाएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे ना दिस इज परमिसिबल एंड दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड एज योर एक्सक्लूजन क्लॉज ठीक है Now, यहाँ पे इतना सा बताता है कि जब भी एक्सक्लूजन क्लॉज आप किसी एग्रीमेंट में डालते हो आप किसी एग्रीमेंट में यूज करते हो इस का, तो उसका ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है ना दिस इज सम इम्पोर्टेंट टू नो ना अब हम बात करेंगे डायरेक्टली आके आपका जिजेक्शन के बारे में ठीक है जोजेक्शन के बारे में बात करेंगे अच्छा एक चीज और एक चीज और अगर मान लो कोर्ट के पास जिजेक्शन नहीं है तो क्या होता है अगर एक बार वो एग्जाम्पल समझो कि के पास नहीं, है। ये तो नहीं है तो उस केस में क्या होते है? सा बस एक रेफरेंस रही हूं मैं यहां पे आपको ऑर्डर्स नहीं बता रही हूं बट ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पहला अगर मान लो कोर्ट के पास रोजिक्शन नहीं है तो या तो आपका प्लेट जो है वो क्या होगा रिटर्न होगा रिटर्न ऑफ प्लेन और ये कहां पे दे रखा है ये दे रखा है आपका ऑर्डर सेवन रूल टेन कैन वी से दिस तो पहला ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन ये है कि अगर कोर्ट के पास रिजिक्शन नहीं है तो ऐसे केस में कोर्ट के पास ये सारे ऑप्शन होते हैं कि कोर्ट जिसके पास रिजिक्शन नहीं है वो क्या कर सकता है रिटर्न कर सकता है प्लेट को अंडर ऑर्डर सेवन रूल टेन ठीक है दूसरा ऑप्शन क्या है ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में वो रिजेक्ट कर सकता है प्लेट वो रिजेक्ट कर सकता है प्लेट रिजेक्ट द प्लेट ठीक है तीसरा ऑप्शन क्या है वो जो है डिसमिस कर सकता है सूट को अभी जो डिसमिसल है ना सूट का वो बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है वो बहुत ही ज्यादा रेयरली किया जाता है तो डिसमिस कर सकता है सूट को बहुत रेयर ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में बट ये ऑप्शन है उसके पास कि वो सूट को क्या है डिसमिस कर सकता है एंड वो विड्रॉल करा सकता है सूट को ठीक है विड्रॉल ऑफ सूट विड्रॉल ऑफ सूट ये कहां पे होता है ऑर्डर ट्वेंटी

री जुरशन दूसरा है आपका टेरिटोरियल जुरिटोरियल जिक्शन और तीसरा है आपका सब्जेक्ट मैटर जुरेक्शन सब्जेक्ट मैटर जुर ठीक है अब इसमें कौन से कौन से सेक्शन आते हैं आपके तो पिक्यूनेरी जिक्शन में आपका सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर सिक्स सेक्शन नंबर फिफ्टीन सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ए जो बात करता है ऑब्जेक्शन की और सेक्शन नंबर थ्री ठीक है तो ये सेक्शन आते हैं आपके पी क्यूनोरी में जो बात करते हैं पी क्योनरी की पीक्यन रिज्यूशन क्या होता है मॉनिटरीशन की वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सूट क्या वैल्यू क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डोंट वरी टेरिटोरियल जिरोजेक्शन में बेसिकली आपका आता है सेक्शन नंबर सिक्सटीन से लेके ट्वेंटी तक और यहाँ पे ट्वेंटी और ट्वेंटी ए भी आता है राइट एंड सब्जेक्ट मैटर में आता है आपका सेक्शन नंबर नाइन जिसको हम गेटवे ऑफ सीपीसी भी कहते हैं जिसको हम गेटवे ऑफ सीपीसी भी कहते हैं तो ये है, कैटेगरी सिक्स और ट्वेंटी 21, और दूसरा है आपका टेरिटोरियल जुजेशन हमने सोलह से लेकर बीस तक के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मेटर में ये तो हो गई बात जोशन को लेकर नाउ बार जुर पे बार है उसके बारे में कहां पे दे रखा है उसके बारे में कहां पे दे रखा है कि बार ऑन जुरशन बार ऑन जुरशन वो कहां पे दे रखा है वो कहां पे दे रखा है वो दे रखा है आपका सेक्शन नंबर टेन सेक्शन नंबर इलेवन और साथ में इसके साथ हम पढ़ते हैं ऑर्डर टू रूल टू और इसके साथ पढ़ते हैं सेक्शन नंबर ट्वेल्व तो ये बेसिकली सेक्शन जो है कि भाई बार है जुरुजिक्शन पे बार ऑन जूर इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज इज स्टार्ट क्लियर टू एवरी वन ये बात सबको समझ में आई एक बार ये जुरुजिक्शन का जो बेसिक फंडा है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को ये समझ में आया सबको कि भाई हमने जिजेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया आपके पीक्यूनरी जिजेक्शन में सब्जेक्ट मैटर में और साथ में आपके टेरिटोरियल में जिसमें हम ये सारे सेक्शन को कवर अप करने वाले हैं आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है और बार की जब हम बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे सब्जुटाइज और साथ में आपका रेजुडिकाटा और आपका ऑर्डर टू रूल टू इज इट क्लियर टू एवरी वन कमोन से ये और नो इज इट क्लियर टू एवरी वन कमोन से येस और नो तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले पीक्यूनरी जोजिक्शन से

और अब यहां पे कहता है कि भाई जो subject matter है, कि जो इसका क्या मतलब है value of subject matter का मतलब क्या है कि जो पार्टी ने अपने प्लेट में रिलीफ क्लेम किया है दैट इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर यस हार्दिक वेरी नाइस मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो उसको हम बिक्यूनरी कहते हैं ठीक है अब हम वापस आते हैं इस चीज पे अब हम समझेंगे इसका बेस क्या है उसके बाद दोबारा पढ़ लेंगे सेक्शन के बार ठीक है सिंपल सी वहां पर एक वर्ड यूज करिए द अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नाउ हर कोर्ट के पास अपनी एक लिमिट होती है ठीक है हर को इसको कहानी की तरह समझोगे समझ में आएगा बहुत क्लैरिटी से कि हर कोर्ट के पास अपनी एक लिमिट होती है कि भाई वो इतने लिमिट तक के सब्जेक्ट मैटर की सुनवाई करेगी सब्जेक्ट मैटर को मतलब कि भाई मेरे पास ये लिमिट है कि मैं सिर्फ जो है मैं कोर्ट एक्स हूं और मेरे पास ये लिमिट है कि मैं सिर्फ 6 लाख तक के कोर्स जो मैटर्स हैं उनकी सुनवाई कर सकती हूं मेरे पास ये लिमिट लगी हुई है कि ये लिमिट किसने लगाई है लॉ ने लगाई है ठीक है

तो छह लाख के अंदर जितने भी सूट फॉल करेंगे उनको मैं इंटरटेन कर सकती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जो कोर्ट नंबर एक्स हूँ वो कॉम्पिटेंट है उसके पास है इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करने की हैंडल करने 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 की करने की की डील सॉल्व यहाँ पे उसके पास पूरी पावर है राइट हर कोर्ट के पास अपनी एक लिमिट होती है सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करने की सर्टेन वैल्यू की और इसको ही हम कहते हैं कि एवरी कोर्ट हैज हाँ इट्स इट्सूनरी लिमिट हर कोर्ट के पास अपनी एक पिक्यूनरी लिमिट होती है अगर मैं एग्जांपल लू दिल्ली का ठीक है अगर मैं एग्जाम्पल लू दिल्ली का तो यहां पे जो हाई कोर्ट है वो कितने कोर्ट तक तो, कितने वैल्यू तक की आ, कितने लिमिट क्या लगा रखी है हाई कोर्ट की तो यहां पे लिमिट लगा रखी है आपकी ठीक CR, है अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली में कितने कितने रुपए तक का डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज जो दिल्ली में है वो सॉल्व कर सकते हैं अप टू अप टू, टू सीआर सिविल जजेस जो है बेसिकली अपू थ्री लैक्स अपटू थ्री लैक्स के डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सकता है अब ये एक पीक्यूनरी लिमिट है जो सेट कर दी गई है ठीक है जो पीक्यूनरी लिमिट है, है कि भाई दिल्ली में अगर कोर्ट में अगर आपको केस ले जाना है तो उसकी वैल्यू या तो अब अब टू सीआर है दो, दो करोड़ से ऊपर की वैल्यू तो कोर्ट डील कर लेगा डिस्ट्रिक्ट जज में अगर आप जा रहे हो सूट लेकर तो वहां पे दो करोड़ तक के सूट की वैल्यू की सुनवाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज और सिमिलरली अगर सिविल जजेस की हम बात करें तो सिविल जजेस जो है वो वहां पर तीन लाख तक के डिस्प्यूट की सुनवाई कर सकते हैं

उसमें जो वैल्यू आ रही है उसकी वो क्या है वो है पांच लाख रुपए तो क्या मैं यहाँ पे सिविल जज के पास जा सकती हूँ नहीं जा सकती क्यों क्योंकि सिविल जज के पास तो अप टू थ्री लाख रुपीज तक की पावर दे रखी है तो ये कहता है सेक्शन नंबर सिक्स आपका कि लिमिट से एक्सीड करके कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता केस को ठीक है तो कोर्ट की जो भी पीक्यूनरी लिमिट है उसके अंदर ही वो केस को डिसाइड करेगा तभी आप कहोगे द कोर्ट इज वेल तभी आप कहोगे कोर्ट इज वेल दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन से येस और नो से यस और नो अगर पीक्यूनरी लिमिट एक्सीड कर रही है तो सब्जेक्ट मैटर अगर मान लो तीन पांच लाख का है मेरा तो क्या मैं सीजे के पास जा सकती हूं नहीं जा सकती इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि लिमिट एक्सीड हो गई है और यहां पे जो सिविल जज होगा वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा उसके पास pecuniary jurisdiction नहीं कहलाई जाएगी इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन मी ठीक है क्लियर है सबको क्लियर है चलो अब तो करता है ना हर स्टेट का अलग अलग कोर्ट एक्ट होता है, अला एक होता है। तो पंजाब कोर्ट एक्ट पंजाब के लिए बताएगा दिल्ली कोर्ट एक्ट दिल्ली के लिए बताएगा तो हर स्टेट के अपने अपने एक्ट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई कोर्ट की क्या पीक्यूनरी लिमिट होगी दिल्ली का मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है ठीक है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये बहुत कंफ्यूजन होगा बहुत सारे लोगों को कि जो ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है the value, the of of इसका क्या मतलब है? देखो किस तरीके से आप डिसाइड करते हो या आप किस तरीके से कह सकते हो कि किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि क्या वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की ठीक है या वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इस पे किस तरीके से कौन डिसाइड करेगा तो कुछ ये टर्म है ना आपका वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये जो सेक्शन सिक्स में रेफर किया गया है इसका मतलब ये है कि जो रिलीफ क्लेम किया है तो इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है जो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है ना ये इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ये जो पैसे जो पैसे प्लेट में एक पार्टी रिलीफ मांग रही है जो प्रेयर वो कर रही है कि भाई मैं जो है तीन लाख रुपए का डिमांड है मेरी या फिर मेरी दस लाख रुपए की डिमांड है या पांच लाख रुपए की डिमांड है कि मुझे ये रिलीफ मिलना चाहिए तो जो वो रिलीफ क्लेम किया जाता है ना प्लेट में उसको ही आप क्या कहते हो उसको आप कहते हो कि वैल्यू क्या है सब्जेक्ट मैटर का ठीक है उस प्लेंट में सब्जेक्ट मैटर का क्या वैल्यू है ये क्या ये कैसे पता चलेगा जो रिलीफ क्लेम किया गया है उससे पता चल जाएगा साफ साफ और उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन से फोरम में आपको जाना है कौन से कोर्ट में आप जा सकते हो ठीक है तो लो रिलीफ क्लेम अगर पार्टी ने किया है पांच लाख का तो सीजे के पास तो आप जा ही नहीं सकते दिल्ली में क्योंकि तो दिल्ली में तो अपर लिमिट क्या दे रखी है सिविल जजेस की की लाख रुपए तक केस को डिस्प्यूट को डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं तो उस केस में वो जाएगा जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। तो उसके लिमिट कैसे पता चलेगी कि भाई हमारे केस की लिमिट क्या है या फिर हमारे सॉरी पिक्यूनरी लिमिट के हिसाब से आप रिजेक्शन कैसे देखोगे तो आप वैसे देखोगे कि आपने अपने प्लेट में क्या रिलीफ क्लेम किया है मान लो पांच लाख किया है तो आप उसके हिसाब से उस कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट के पास उसकी पिक्यूनरी लिमिट इतनी दे रखी है आपको पता आप वहां पर जा सकते हो और वहाँ पे अपने सूट को फाइल कर सकते हो ठीक है तो आप ये कहोगे कि आपका नहीं होता है तो कोर्ट क्या करती है, है। मान लो मैं गलत कोर्ट में चली गई, मैं चली गई किसी ऐसे के पास इसके पास मेरे केस को सुनने के लिए नहीं है। अब मैं वहां चली गई मैंने कहा कि भाई मेरा केस लगा हुआ है

प्लेट में रिलीफ जो क्लेम्ड है प्लेंट में उसको हम क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर और ये बात कहां कही गई है ये बात आपके uh, चरण uh, दास वर्सेस सुशील बाला देवी इस पर्टिकुलर केस में ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ठीक है कोर्ट सेट सब्जेक्ट मैटर जो आपका सब्जेक्ट मैटर वर्ड यूज किया गया है सेक्शन सिक्स में ठीक है मीन रिलीफ क्लेम्ड एंड दैल्यूएशन ऑफ द सूट इज अमाउंट ऑफ रिलीफ क्लेम ठीक है और सूट की वैल्यूएशन क्या होगी जो अमाउंट आपने क्लेम किया है उसको हम क्या कहेंगे भाई सूट की वैल्यू ये पर्टिकुलर वैल्यू है सूट की उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन से फोरम में आपको जाना है ठीक है और आपका एक वैल्यूएशन uh, एक्ट भी है ठीक है तो एक वैल्यूएशन एक्ट है सूट वैल्यूएशन एक्ट सूट वैल्यूएशन एक्ट 1870 1887 ठीक है

क्या वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर का तो आप क्या करोगे इमिजिएटली रिलीफ क्लेम को देख लोगे कि भाई पार्टी ने क्या रिलीफ क्लेम किया है दैट विल बी दी दी सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ दी सब्जेक्ट मैटर ठीक है नाउ एग्जांपल समझो इस बात को सूट वैल्यूएशन एक्ट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लो ए ने जो है फाइल किया है सूट अगेंस्ट बी ठीक है और ये सूट फाइल किया गया है कि भाई पास किया जाए एक मैंडेटरी इंजंक्शन टू फिल दिस स्पॉट होल्स पॉट होल्स होते हैं ना, उसको करने के लिए इंजेंशन किया जाए ऐसे, इस वजह से यहाँ सूट फाइल किया है अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन से कोर्ट में जाना है तो सूट का वैल्यू वैल्यूएशन सूट का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि सूट कौन से कोर्ट में आपको सूट अपना फाइल करना है दो

In otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over the suit, the uh, over the over suits, the amount or value of subject matter of which exceeds the pecuniary limit of the its ordinary.

वो डिसाइड नहीं कर सकता उसकी पिक्यूनिटी में तीन लाख तक की है तो वो तीन लाख तक के ही सूट को डिसाइड करेगा उसके बेस्ट बुक्स फॉर जुडिशरी बताया है आप वो रेफर कर सकते हो अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रोहित आ, लिंक भेज दूंगी आप वहां से चेक कर सकते हो डीजीएस कब तक आ सकता है मैम कशिश आ, जल्दी ही एक्सपेक्टेड है दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम ठीक है एनी टाइम इट कैन कम हायर जुडिशरी का तो आ चुका है तो दिल्ली जुडिशरी का भी कभी भी आ जाएगा प्लीज टेल मी इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज इज पॉइंट क्लियर टू एवरी वन कम ऑन टेल मी ये बात क्लियर हुई आगे चले एक बार जल्दी से बताओ फटाफट जल्दी से कम ऑन टेल मी ऑल क्लियर ऑल सेट है चलो अब मैंने बताया कि भाई पीकनरी जुडेशन में हमें कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं और वो सेक्शन में था सेक्शन नंबर सिक्स और सेक्शन नंबर फिफ्टीन ठीक है और साथ में सेक्शन नंबर थ्री भी पढ़ेंगे डोंट वरी ठीक है अभी पहले इस बात को समझो अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर फिफ्टीन ठीक है अब सेक्शन नंबर फिफ्टीन क्या बताता है सेक्शन नंबर फिफ्टीन बस इतनी सी बात बताता है कि देखो हर जो भी कोई सूट होगा ना कोर्ट में आप इंस्टीट्यूट करने जाओगे तो वो लोएस्ट ग्रेड से करोगे ये नहीं कि अगर आपके पास हाई कोर्ट के पास भी पावर है डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पावर है और सिविल जज के पास भी पावर है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही चले जाओगे क्यों क्योंकि ये बात आपकी दे रखी है ऐसा क्यों है कि हम हाई कोर्ट सीधे नहीं जा सकते इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि तो ये बात आपकी सेक्शन पंद्रह में क्लियरली बता दी है आपको कि आप नहीं कर सकते भाई ऐसा आपको सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड वाले कोर्ट में जाना होगा उसके बाद उसके हायर कोर्ट में जाओगे तो हर जो भी कोई सूट होता है जो आपको इंस्टीट्यूट करना है कोर्ट में वो करना होता है दी कोर्ट ऑफ टू ट्राई इट तो अगर मान लो हाई कोर्ट भी कंपिटेंट है डीजी भी कंपिटेंट है तो आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है यहाँ पे आपको से, के जो है, उससे अपने सूट को फाइल करना है फिर आप ऐसे ऊपर जाओगे आप इस तरीके से नहीं जा सकते डायरेक्टली हाँ कोर्ट में और ये सिंपल सिंपल सी बात दे रखी आपके नंबर सेक्शन नंबर फिफ्टीन में राइट right? नाउ सेक्शन नंबर 15 क्या बताता है इट्स अ रूल ऑफ प्रोसीजर ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर है जहां पे आपको प्रोसीजर बता रखा है कि भाई हर सूट जो भी कोई सूट आपको इंस्टीट्यूट करना है वो सबसे पहले आप लो ग्रेड लोएस्ट ग्रेड वाले कोर्ट में ही इंस्टीट्यूट करोगे राइट नाउ एग्जांपल है देखो सूट है सूट की वैल्यू सूट की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझो और क्लियर हो जाएगा दो लाख रुपए ठीक है थीके? सूट की वैल्यू जो है वो दो लाख रुपए अब हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है ठीक है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ट्राई कर सकता है और सिविल जज भी ट्राई कर सकते हैं सिविल कोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं ये सारे ही कोर्ट्स आपके कंपेटेंट हैं दो लाख रुपए तक के सूट की सुनवाई करने के लिए नाउ आप क्या डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो आंसर इज नो ऐसा आप नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन नंबर 15 में बात बता रखी है कि आपको लोएस्ट ग्रेड में जाना होगा रूल ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर है आपको आपको फॉलो करना पड़ेगा आपको यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि बस कोई और रास्ता नहीं है राइट तो आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा उस प्रोसीजर के साथ बता रखा है कि आप डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते आपको लोएस्ट ग्रेड में जाना पड़ेगा और ये जो लोएस्ट ग्रेड के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट जो ये सिविल कोर्ट्स हैं या सिविल जजेस हैं उनके

इट कैन बी फाइल बिफोर दी डिस्ट्रिक्ट जज वो डिस्ट्रिक्ट जज में भी वैल्यू आपको पीछे बता चुकी हूँ कि वैल्यू दे रखी है वहाँ पे तो उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज में फाइल हो सकता है ना वो हाई कोर्ट में भी फाइल हो सकता है ठीक है कोर्ट के पास ही पावर है वो भी फाइल डील कर सकता है दस लाख रुपए तक इस सूट को बट लेकिन क्योंकि सेक्शन नंबर फिफ्टीन में बता रखा है कि लोएस्ट कोर्ट में जाना है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जाओगे आपको कोर्ट ऑफ लोएस्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा ठीक है आपको कोर्ट ऑफ लोएस्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा क्लियर नाउ सेक्शन नंबर थर्ट थ्री देख लो एक बार ठीक है एक बार सेक्शन नंबर थ्री देख लो अब सेक्शन नंबर थ्री सिंपल से बताता है कि कौन किसके सबॉर्डिनेट है इतनी सी बात बताइए सेक्शन नंबर थ्री में कि कौन किसके सबॉर्डिनेट है ठीक है अब यहाँ पे क्या कहता है सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट फॉर दी पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट अब इस सेक्शन नंबर थ्री से हमने क्या इंटरप्रिटेट किया कि जो सिविल कोर्ट्स हैं आपके वो सबॉर्डिनेट होंगे किसके हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट जज के सिंपल सी बात है कि जो सिविल जजेस हैं वो आपके किसके सबऑर्डिनेट होंगे वो हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आएंगे और यही बात आपके नंबर सेक्शन नंबर थ्री में दे रखी है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के कि भाई इस कोर्ट इस कोर्ट के परपस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट

अब कुछ पॉइंटर्स देख लो क्लियर है सबको क्लियर है ऑल वेरी वेरी नाइस नाइस देखो pecuniary jurisdiction को लेकर अब कुछ पॉइंटर्स जिससे आपके कोई भी में, कोई भी भी पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा ठीक है सबसे पहली बात बहुत छोटी छोटी चीजें बताती हुई चलूंगी मैं आपको ऑल साइट ऑल क्लियर हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है देखो आप सूट फाइल करते हो कैसे फाइल करते हो एक प्लेन फाइल करके ठीक है आप प्लेन देते हो तो फिर आप अपना सूट फाइल करते हो राइट तो सबसे पहले सबसे पहली बात सुन लो या मैं लिख सुन ही यानी लिखते नहीं हूँ ठीक है सूट फाइल करते हो द्वारा आपने एक प्लेन्ट दिया प्लेंटिफ ने अपनी सारी कहानी अपनी सारी बातें अपना सारा दुख दर्द लिख दिया प्लेन्ट में और कोर्ट में जाके सबमिट कर दिया राइट अब जैसे ही आपने सूट फाइल किया तो प्लेन्टिव को खुद से वैल्यू करनी पड़ेगी ना भाई अपने सूट की कि भाई वो क्या रिलीफ क्लेम करना चाहता है पांच लाख का दस लाख का पंद्रह लाख का बीस लाख का कितने का करना चाहता है उसको अपनी वैल्यू खुद से करानी पड़ेगी तो यहाँ पे जब प्लेन्ट आप फाइल कर रहे हो तो प्लेन्टिव को क्या करना होता है उसको वैल्यू करना होता है अपना सूट ठीक है खुद से ही करना होता है एंड दी वैल्यूएशन हैज टू बी रिटन इन दी प्लेंट और सूट का क्या वैल्यूएशन है ये आपको अपने प्लेंट में मेंशन करना होता है ठीक है उसके बाद ही आप फोरम डिसाइड करते हो तो आपको क्या करना होगा अपने वैल्यूएशन को लिखना होगा एंड वैल्यूएशन हैज टू बी डन एज पर दी सूट वैल्यूएशन एक्ट एटीन ही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ठीक है कि भाई आपको वैल्यूएशन करना है सूट के हिसाब से ताकि आप फोरम डिसाइड कर सको और कोर्ट फीस क्या है वो डिसाइड कर लो नाउ दैल्युएज इन एक्सप्लेन टू डिसम डिसाइड करने के लिए बेसिकली आपको वैल्यूएशन करना होता है ठीक है नाउ पीकुनरी जिजेक्शन जो है ठीक है पीक्युनरी जिजेक्शन कोर्ट का जो भी है वो क्या होता है वो होता है एज पर द रिलीफ प्रेड अब रिलीफ क्लेम्ड रिलीफ ग्रांटेड और रिलीफ प्रेड में अंतर है इन दोनों बातों में बहुत अंतर है तो जो भी आप रिलीफ प्रे कर रहे हो कोर्ट में प्लेटिफ ने प्लेट में जो रिलीफ मांगी है जिसकी प्रेयर करी है कोर्ट के सामने उस रिलीफ प्रेयर को हम क्या कहते हैं उससे आप डिसाइड क्या करते हो उस वो होता है एज पर द रिलीफ क्लेम कि भाई आपने क्या रिलीफ मांगी है रिलीफ क्या प्रे करी बाय द द्लेंटिफ एंड नॉट बाय द रिलीफ अवॉर्डेड कोर्ट बाद में क्या रिलीफ अवॉर्ड करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है पिक्यूनरीज रिजेक्शन देखी जाती है जिस रिलीफ से जो रिलीफ आपका प्रे करी है प्लेंटिफ ने प्लेंट में अपने तो अगर मान लो तीन लाख रुपए अगर मान लो तीन लाख रुपए मांगा है उसने रिलीफ प्रेयर में आपने रिलीफ क्लेम किया है तीन लाख रुपए तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो रिलीफ क्लेम किया है जो प्रे किया है कोर्ट में उसके हिसाब से ही पीक्यूनरी रिजोल्यूशन देखी जाएगी एंड नॉट ऑन द अमाउंट जो आपकी ग्रांट करी है डिग्री में ठीक है फाइनल अमाउंट क्या दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो रिलीफ जो प्रेयर की है रिलीफ जो प्रेयर की है मांगी है उससे आप डिसाइड करते हो अपना क्लियर है सबको ये बात क्लियर है फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से भी समझ लो इसको कि प्लेटिव ने मान लो रिलीफ मांगा है दो लाख रुपए का या तीन लाख ही कर लो कोई बात नहीं दो लाख प्लस इंटरेस्ट कि भाई मेरे को ये चाहिए मैं ये मेरी ये प्रेयर है कि मुझे डिफेंडेंट से दो लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट दिलाओ जुरिस्डिक्शन होगा कोर्ट का वो डिसाइड होगा ठीक है इज डिसाइडेड बाय दिस रिलीफ रिलीफ तो जो ये मांगा है ना उसने दो लाख प्लस इंटरेस्ट इसके हिसाब से ही आप कोर्ट के क्या देखोगे जुरिस्डिक्शन देखोगे इस पर्टिकुलर जो रिलीफ प्रे करी है पार्टी ने प्लेंटिफ ने उसके हिसाब से आप जो है कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखते हो नाउ अगर मान लो पांच साल बाद फॉर एग्जाम्पल पांच साल बाद जो रिलीफ अवार्ड थी जो रिलीफ अवार्ड करी गई अलग 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 अंतर है जो रिलीफ अवार्ड किया गया है वो हो गया आपका लाख लाख रुपए रुपए हो गया ठीक है या साढ़े तीन लाख हो गया या पांच लाख हो गया तो आप ये कह सकते हो क्या the, uh, the the yes. आप ये नहीं कहोगे कि ये के के बाहर हो गया आप ये नहीं कह सकते कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्राइंग टू कन्वे कि मान लो आपने जो रिलीफ क्लेम किया है उसके हिसाब से ही कोर्ट का पिक्यूनरी जुडिशन uh, देखा जाता है नाउ प्लेंटिव आस्क फॉर टू टू लैक्स प्लस इंटरेस्ट सो द जुडेक्शन ऑफ द कोर्ट इज बाय दिस रिलीफ जो रिलीफ मांगा है उसके हिसाब से जुडिशन डिसाइड होगा पीक्यूनरीशन नाउ इफ आफ्टर फाइव द रिलीफ अवॉर्डेड इन द डिग्री इज फाइव लैक so whether it is under the jurisdiction of the court the answer is yes because the amount in the plaint is to be taken into consideration for deciding the jurisdiction of the court and not the final decree final decree में जो amount बताया गया है उसको आप count नहीं करोगे आप वो count करोगे pecuniary, pecuniary jurisdiction decide करने के लिए court में जो amount plaint में लिखा गया था जिसकी pray की गई थी जिसकी prayer की गई थी plaintiff द्वारा उसको किया जाएगा now what do you understand by undervaluation कि भाई ये जो suit है वो undervalued है इसका मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए पांच लाख लेकिन वैल्यू कर रखी है ढाई लाख तो आप क्या कहोगे कि भाई सूट जो है आपका अंडर वैल्यू है अंडर वैल्यूएशन में है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन एक्ट तो ये सूट वैल्यूएशन एक्ट है आपका इसके हिसाब से इट इट शुड शुड हैव बीन मोर बट द प्लेंटिव हैड वैल्यूड इट लेस तो अंडर वैल्यूएशन क्या है कि प्लेंटिव ने खुद से अपने सूट की वैल्यू कम कर रखी है ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए था बट कम कर रखी है एग्जाम्पल से समझो इस चीज को कि मान लो वैल्यूएशन सूट की जो वैल्यूएशन है सूट की वो कितनी है शुड बी टू पॉइंट फाइव लैक्स और प्लेटिव ने क्या कर रखा है प्लेटिव ने उसको वन लाख रुपए ही आकर रखा है बस वन लाख पे कराया ठीक है ठेके? तो ये क्या हुआ आपका ये सूट आपका हुआ अंडर वैल्यूड सूट कि भाई इसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हुआ है ना अगर मान लो प्लेटिव जो है अंडर वैल्यू करता है तो उस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर सेवन रूल इलेवन क्लॉज बी जो है उसके हिसाब से प्लेट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसके हिसाब से प्लेन्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो अगर आप में से किसी ने भी ऑर्डर सेवन रूल इलेवन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं कि जहाँ पे प्लेट जो है अंडर वैल्यूड है तो वो प्लेन्ट क्या किया जाता है रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो यहीं पे देखा जाएगा कि जो सूट वैल्यूएशन के हिसाब से आपने सूट की वैल्यूएशन लगाई है प्लेंटिफ ने वो कम लगाई है थी ढाई लाख की ले, लेकिन उसको एक ही लाख आका है बस ठीक है तो यहाँ पे उसने अंडर वैल्यू है तो सूट उसका रिजेक्ट हो जाएगा अंडर ऑर्डर सेवन रूल इलेवन बी इलेवन बी इज क्लियर अगर मान लो ओवर वैल्यूएशन कर रखिए तो क्या होगा अगर ओवर वैल्युएशन कर रखी है तो क्या होगा एनी वन कैन टेल मी अगर ओवर वैल्यूएशन कर रखी है अब देखो अगर ओवर वैल्यूएशन कर रखी है और कोई मटेरियल अफेक्ट नहीं हो रहा है वही आ, दो लाख थी और तीन लाख कर रखी है वो कोर्ट फिर भी ट्राई करने के लिए एलिजिबल है वो उसके पास रिजेक्शन है कोई भी मटेरियल चेंज नहीं हो रहा था इट्स तो ओके लेकिन अगर ओवर वैलुएशन करने की वजह से फोरम चेंज हो रहा है तो वहां पे प्लेंट जो है रिटर्न कर दिया जाएगा प्लेंट जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा ऑर्डर ऑर्डर रूल रूल क्या बता रही हूं मैं यहाँ पे दोबारा सुनो इस बात को कि जहां पे अंडर वैल्यूएशन में तो रिजेक्ट हो जाएगा प्लेट लेकिन जहां पे ओवर वैल्यू कर रखा है और ओवर वैल्यू करने से कोई भी मटेरियल चेंज uh, नहीं आ रहा है तो तो कोई बात नहीं तो, तो कोई फर्क नहीं इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन ओवर वैल्यू करने से फोरम बदल गया कि पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज देख रहा था लेकिन अब हाई कोर्ट देख रहा है वहां पे फोरम जहां पे बदल जाएगा वहां पे प्लेंट को जो है रिटर्न कर दिया जाएगा अप्रोप्रिएट फोरम में अप्रोप्रिएट कोर्ट में इस इज पॉइंट क्लियर टू एवरीवन तो ये ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वैल्यूएशन ये बात क्लियर हुई सबको ये बात क्लियर हुई सबको कमॉन टेल मी कमॉन टेल मी कमॉन टेल मी कमॉन 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 सबको तो देखो ये कुछ पॉइंट है के, jurisdiction के, अब jurisdiction का कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए आई होप गलत नहीं होगा आई होप गलत नहीं होगा अब आप लिख भी पाओगे मीन्स एग्जामिनेशन में ये सारे पॉइंट ये सारे पॉइंट आप लिख पा लिख पाओगे एग्जाम में आप अपने क्लियर चले आगे चले

कुछ क्लेम्स अपने रिलिंक्विश कर दिए गिव अप कर दिए कि मैं इसको क्लेम ही नहीं कर रहा एंड वंस एक बार रिलिंक्विश कर दिया तो दोबारा आप उस पर सूट नहीं ला सकते एक बार आपने रिलिंक्विश कर दिया गिव अप कर दिया तो फिर आप दोबारा उस पर सूट नहीं ला सकते ऑर्डर टू रूल टू हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे वो कोई इशू नहीं है मैं बस आपको बस बता रही थी कि मान लो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो तो रिलिंक्विश भी किया जा सकता है यहाँ पे कि भाई आपको उसी विद इन देशन लाना है तो आप रिलिंक्विश कर सकते हो तो आप रिलिंक्विश उसको कर सकते हो क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी चले आगे चले नो मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन ए ये कब पिक्चर में आता है तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि अगर जो मतलब कोई डिग्री पास करती बिना कोर्ट के पास था नहीं बिना पीक्यूनरी रिजेक्शन के यहाँ पे कोर्ट ने डिग्री पास कर दी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात कर रखी है ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन ए में कॉन्सिक्वेंसेज आर सेम ऑफ डिग्री पास विदाउट टेरिटोरियल जरिजेक्शन सिमिलरली टेरिटोरियल जरिजेक्शन नहीं था और आपने डिग्री पास कर दी ठीक है तो टेरिटोरियल जोशन नहीं था उनके पास जोरेक्शन नहीं था डिस्कस करने का डील करने का केस को सॉल्व करने का केस को फिर भी अगर ऐसा कर दिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन ए में दे रखा है वो हम जब सेक्शन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट वन ए पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे उसको इज दिस थिंग क्लियर राइट सबको क्लियर है तो ये जो हमने को ये पढ़ा है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा ये जो हमने चार्ट बनाया था पिकन जोरिएशन वाला पार्ट ही सबको क्लियर है पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू एवरी वन सेक्शन सिक्स फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ए और ट्वेंटी वन जो है वो हम डिटेल में ही पढ़ेंगे बस मैंने ये बताया कि अगर मान लो आप कोर्ट ने पिक्यूरी रिजेक्शन नहीं था फिर भी डिग्री पास कर दी है बिना पिक्नरी रिजेक्शन के तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो दे रखा है आपका यहाँ पे ठीक है अब मुझे ये बताओ जो मैंने यहाँ पे इतनी ड्रॉइंग करी है ये सारे पेजेस आपको चाहिए डू यू नीड दिस पेजेस क्या आप प्रेफर कर पाओगे इन पेजेस से डू यू नीड एनी पेजेस फ्रॉम दिस

फ्रॉम सेक्शन नंबर ट्वेंटी अपन ट्वेंटी वो वाला पार्ट हम दोबारा पढ़ेंगे एंड देन सो ऑन एंड एंड सो ऑन सेक्शन आपके कवर अप हो जाएंगे तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा अगर हम बेराट से लाइन से नहीं पढ़ रहे बट आई विल मेक श्योर की सारे सेक्शन आपको मैं बेराइट से पढ़ाती हूँ जरूर हाथ में ठीक है ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी वेरी नाइस प्रेरणा दैट गोना हेल्प यू ओनली ठीक है वो आपको रिविजन re में हेल्प करेगा सो so, कल वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिटोरियल जोशन एक बार अगर चाहो तो एक बेयर रीडिंग लेकर आना आज की क्लास समझ में आई या फिर नहीं डू लेट मी नो डू लेट मी नो या इफ यू वॉन्ट टू चेंज द मॉडल आई कैन चेंज द मॉडल एज ऑल्सो फॉर यू अगर आपको इस मेथड uh, से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली बेयर से भी पढ़ा सकती हूँ डू यू वॉन्ट दैट डू यू वॉन्ट दैट एनी वन वॉन्ट्स लाइक वॉन्ट्स

आई वॉज इगुलर बिकॉज ऑफ द रीजन दट आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम लास्ट वन वीक ठीक है लेकिन अब फ्लो आ गया है एंड अब जो है रेगुलर क्लास होगी रोज शाम को पांच से छेक्ट परफेक्ट परफेक्ट कूल 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 सही है चलो ठीक है सो दिस वॉज द्लास फॉर टू डेज एंड आई वुड लाइक टू एंड इट एनी थिंग यू इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सीबीसी के लेक्चर वन का कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है एंड कोई भी डाउट है आपको किसी भी रिस्पेक्ट में तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे Now, एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको तैयारी करनी है प्रिलियम और इंटरव्यू की तो आप इनरोल कर सकते हैं स्लाई फाउंडेशन बैच एट में बैच एट में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है आज यानी कि आज रात बारह बजे के बाद बैच एट में एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे Price में आप एनरोल कर सकते हैं इस वक्त क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सारे सेगमेंट कवर अप कराए जाते हैं चाहे फिर वो आपके आंसर राइटिंग हो जजमेंट राइटिंग हो करंट अफेयर हो लीगल करंट अफेयर हो ट्रांसलेशन हो कुछ भी हो मेजर लॉ माइनर लॉ लोकल लॉस सब कुछ कराया जाता है इस फाउंडेशन बैच एट में ठीक है? तो आप कर सकते हैं इस फाउंडेशन बैच में, अफोर्डेबल प्राइस में डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है और याद कर लो क्योंकि डिस्काउंट कोड श्री लाइव से ही मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट राइट तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके एनरोल करना है बैच एट में और आप अपनी कंप्री तैयारी कर सकते हो सिर्फ बारह महीनों में ठीक है यहाँ पे प्राइस है बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे दो साल के लिए वैलिड है और अगर आपको यही सेम कोर्स तीन साल के लिए चाहिए तो वो आप ले सकते हैं सत्ताईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाके अवेल कर ले और यूज करें डिस्काउंट कोर्स लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बैचेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी करना क्या है स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करना है गूगल पे सिंपल सा वे है एनरोल करने का जैसे आप स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करोगे यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ रही है आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ फाउंडेशन बैच एट है सिर्फ एक श्री लाइव डिस्काउंट कोड यूज करने पे आपको जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव फाउंडेशन बैच एट के साथ यानी कि बाईस में, में आपको दो कोर्सेज मिलेंगे लाइव फाउंडेशन बैच एट और दूसरा जुडिशरी का महापैक राइट सो यू कैन जस्ट गो एंड एनरोल हेयर आपको सेलेक्ट करना है जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 38,000 एट थाउजेंड प्राइस दिखाएगा बाय नाउ पे क्लिक करना है जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एड प्रोमो कोड में लेफ्ट हैंड साइड में श्री लाइव एड करना है एस एच आर आई एल आई वी ई जैसे आप श्री लाइव एड करोगे अप्लाई करोगे जस्ट अ मिनट एस एच आर आई एल आई वीई जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो अप्लाई करना है और आप यहां पे देख सकते हो कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में डिस्काउंट कोर्स फ्री लाइव यूज करके दो साल की वैलिडिटी वाला और यही सेम कोर्स अगर आपको तीन साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो आप जो है इसको ले सकते हैं सिर्फ सत्ताईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स मिल रहा है ट्रस्ट मी जस्ट गो एंड एनरोल इफ यूर टारगेटिंग अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन सो यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड टिलेक से छी सी कवर अप करने वाले हैं एनरोल करते रिस्पेक्ट में या फिर कोर्स के रिस्पेक्ट में या फिर सेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे एंड हेयर इज माई टेलीग्राम आई डी एंड इंस्टाग्राम आई डी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रमी श्रीवास्तव के नाम से तो सी यून देशन टल देन टेक केयर बाय बाय